सलाम आदाब नमस्कार। बिहार में पड़ रही है इस वक्त कड़ाके की ठंडी। जी हाँ, ठंडी से अभी तो फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार में कड़ाके की ठंड ने हरकंप मचा रखा। स्कूल जाना बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो गया। स्कूल गई छात्र को ठंडी लगने से मृत्यु हो गई। जी हाँ, मामला है मुजफ्फरपुर जिला का, जहाँ एक स्कूल में ठंडी लगने से एक छात्र की मौत हो गई, तो वहीं एक छात्र बेहोश हो गया। पहला मामला जिला के बोछा प्रखंड का है, जहाँ मझौली हाई स्कूल इंटर विद्यालय में बुधवार के दोपहर बाद छठी वर्ग की क्लास रूम में एक छात्र को अचानक ठंडी लग गई, जिसके बाद वह पूरा बदन उसका कांपने लगा, जिसके बाद क्लास टीचर ने उस बच्चे को अपने स्तर से बहुत ही सेवा किया, लेकिन फिर भी उसे ठंडी के कारण कोई भी असर नहीं हुआ, जिसके बाद उसे घर वालों को फोन कर घर भेज दिया गया। क्या है पूरा मामला, आइए देखिए इस रिपोर्ट को। गरीब आदमी क्या नाम हुआ आपका, आप अपना नाम बताइए। जमीला खातून। बच्चा का कैसे घटना घटा है बच्चा के साथ? ठंडा लग रहा है स्कूल में आले बस थरथराए लग रहा है लेके डॉक्टर का भगल थी। ठंडा लग गया क्या एक बाप स्कूल गए पढ़ के अरे कूदे लग रही थे, इतने में लेके गए रास्ते पर थे पढ़ने पढ़े। ये कैसे हादसा हुआ है? पढ़ ही गेल रहा है ठंडा से। कौन स्कूल में पढ़ते बच्चा? कामा कामा का छात्र है। तो कैसे हुआ वो बच्चा गया था स्कूल तो वापस आया था क्या? थरथराए बाथरूम हो गया। क्या नाम हुआ आपका बोलू ना। फेसबुक के बारे में बताया जाए। अभी अभी पता चला, हम भाकपा माले के ओर से रामलाल सिंह आए हैं यहाँ। अभी पता चला है कि ये राघव मझौली ना, राघव मझौली हाई स्कूल में अभी एक बच्चा जो है स्कूल से निकला थरथराते हुए, उसको इतना ठंड लग गया कि वहाँ से थरथराते हुए निकला और आते आते यहाँ दम तोड़ दिया अपने घर पर। बगल में ही उसका घर हुआ है सामने, तो दम तोड़ दिया। ठंड लगने से हुई है मौत। और अभी ठंड के मौसम में स्कूल अमूमन बंद हो जाता है, लेकिन इस समय जो स्कूल चल रहा है छोटे छोटे बच्चे जो है वो मर रहे हैं। अभी जो घटना घट गई तो इसमें मुआवजा सरकार जो है अविलंब इस परिवार को मुआवजा दे, ये हम अपनी ओर से मांग करते हैं। और इस ठंड के मौसम में देखते हुए स्कूल बंद होना चाहिए तत्काल छोटे बच्चों के लिए, ये हम मांग करते हैं। ये रूक कपाती ठंड में स्कूल खुला हुआ है, क्या शासन और प्रशासन की लापरवाही है? इतनी ठंड है, टेम्परेचर जो है 4-5 degrees पर चल रहा है। लापरवाही है हमारे माले पर के साथ है। बताइए इसमें ठंड में किस स्थिति में तो स्कूल छोटे बच्चों के लिए बंद होना चाहिए। तो हम प्रशासन से सरकार से मांग करते हैं कि अभी इस ठंड में जो मौत हुई है इस बच्चे की, जी तत्काल मुआवजा सरकार दे जी, और स्कूल को बंद करने के विचार मैंने करे। जी 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 बिल्कुल एकदम सही बात है, पूरे बिहार में होना चाहिए। जी, घटना के बारे में जानकारी दिया जाए। घटना जैसे हम क्लास टीचर से पूछे तो बच्चा जो है सब वस्त्र कम पहने हुए था, कुछ ठंडा से थरथरा भी रहा था, तो क्लास टीचर बोला है तुम कपड़ा कम क्यों पहन के आए, जब जाओ तुम घर तुमको ठंडा लग रहा है, तुम थरथरा रहा तो कपड़ा घर जा करके और पहन लो। तो वहाँ से चला आया है तो यहाँ पर जैसे अभी लोग कह रहे हैं जो या घर पर भी मालूम हुआ कि यहाँ आते आते उसके साथ पैंट में पैखाना हो गया है जी, तो ठंडा लग रहा है तो थरथरा भी यहाँ भी रहता है, तो वस्त्र सब लोग ओढ़ाया उसके बावजूद भी नहीं संभरा, तो शायद लेकर के घर के लोग जो है तो हॉस्पिटल गए, उसी दरमियान उधर शायद गड़बड़ा गया है। तब हम लोगों को वही स्कूल पर थे तो सूचना मिली है, तो हम लोग शोक सभा अथी किए हैं। इसके बाद DC उस समय हम कर रहे थे, तब पदाधिकारी को जो है सो इन्फॉर्म किए जो सर ऐसी ऐसी घटना हमारे यहाँ घट गई है, कि हम लोग शोक मना करके बच्चे को छोड़ करके थोड़ा हम लोग देखने जाते थे क्या स्थिति है वहाँ। घटना के बारे में जानकारी दीजिए सर। सर्वोच्च मध्य विद्यालय के हम टीचर हैं, बच्चा 6th class का है, वो विद्यालय आया है
और उसको ठंडा लग रहा था, वो थरथरा रहा था। हम लोग कहें कि जाओ तुम घर पर जाओ और कपड़ा वपड़ा पहन लेना, टोपी पहन लेना। उसके बाद वो लगभग 10:15 में वहाँ से चल दिया है। आने के बाद घर पर आया है तो लगभग 2 बजे सूचना मिला है कि बच्चा डेड कर गया। यहाँ पता किए हैं तो उसकी माँ बोल रही थी कि पैंट में ही लेटिंग उटिंग हो चुका था उसका। इसी क्रम में जो है और उनको साफ सफाई करने लगी है, उसके बाद थरथराते थरथराते जो है डेड कर गया। ठंड लगने की वजह से यह घटना लगने की वजह से, उनकी माँ बता रही है। ये क्या, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम महेंद्र राम है।